आज उर्स के मौके पर मेरे सभी मुस्लिम समाज के भाई बहन बंधुओं में बहुत ही उत्साह का माहौल है और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैं आप सबकी खुशी में यहाँ सम्मिलित हुआ। मैं मेरी ओर से, सिख समाज की ओर से उर्स के इस मौके पर पूरे मुस्लिम समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तोप खाने पर हजरत काले सैयद बाबा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स इस कमेटी के जहर एहतमाम में 20वां उर्स मनाया जा रहा है। इससे पहले भी यहाँ पर उनके उर्स मनते रहे हैं और एक अच्छी बुजुर्ग हस्ती हमारे बीच में है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि उनको जवार रहमत में जगह दे और हम सबको उनके तखस्सुस से वसीले से हमें सबको अल्लाह तबारक व ताला ईमान की दौलत तो सेहत तंदुरुस्ती अता करें। आज यहाँ तोपखाना में सैयद काले शाह रहमतुल्लाह अलैह साहब का उर्स मनाया जा रहा है। यहाँ की बाबर खान की क़यादत में जो कमेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 20 सालों से लगातार यहाँ पर उर्स मनाते आ रहे हैं। जहाँ तक हजरत काले सैयद रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक है, हमारे दादा दादी बताया करते थे कि आप 7 बुजुर्ग हुआ करते थे, 7 भाई हुआ करते थे, जो कि इसी इलाके में दफन है अलग अलग जगहों पर। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर हरी मस्जिद है, वहाँ पर इनके एक भाई दफन है। एक मालवा सिल शक्ति की गली में एक भाई दफन है। रेती वाले बाबा के यहाँ पर एक भाई दफन है। इस तरह से पूरे इलाके में 7 भाई दफन है और बहुत ही बुजुर्ग हस्तियाँ हैं ये। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जितने भी यहाँ पर हजरात मौजूद हैं और बाबर भाई और उनकी पूरी टीम को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे इन बुजुर्गानों को अभी तक जिंदा रखा हुआ है और बेहतरीन आप यहाँ पर उर्स मनाते हैं।